हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ हैशटैग वायरल मेकअप चैलेंज वीडियो, जो हाल ही में मैंने अपने शॉर्ट्स में डाला था। आज मैं उसका पूरा वीडियो शेयर करूँगी कि कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको क्रीम लिपस्टिक लेना है, क्रीम बेस्ड जो रेड कलर का लिपस्टिक होता है, रेड कलर ही लेना है इसमें, और दूसरा कलर नहीं ले सकते आप। और क्रीम मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैट लिपस्टिक्स जो होते हैं वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, तो ब्लेंडिंग में बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्रीम लिपस्टिक्स जो होता है वो बहुत इजीली ब्लेंड हो जाएगा। तो इस वे में आपको फेस पे ब्लॉक्स बना लेना है, जैसे मैं बना रही हूँ इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है। बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। बस टफ कहाँ पे हो जाता है कि जब अगर आपका फाउंडेशन फुल कवरेज नहीं है तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पे मैंने कंसीलर लगा लिया है ब्लॉक्स के बीचों बीच, जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि जो भी बीचों बीच में लगा रही हूँ, जहाँ पर भी मुझे गैप दिख रहा है। इससे क्या होगा ना कि कंसीलर के हेल्प से आपका जो लिपस्टिक है वो भी बहुत इजीली ब्लेंड हो जाएगा और बहुत ज़्यादा रेडिश नहीं होगा। जैसे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे लिपस्टिक बहुत ज़्यादा रेड है, वाइब्रेंट रेड एकदम, लेकिन जब मैं ब्लेंड कर लेती हूँ तो वो थोड़ा हल्का रेड हो जाता है। तो अब यहाँ पे मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ब्यूटी ब्लेंडर में इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इससे बहुत एक आराम से ब्लेंड हो जाता है, एक फ्लॉलेस बेस बन जाता है। अच्छा, ये हैक जो है ये आप अनइवन स्किन टोन वाले जो होते हैं उनके लिए भी बहुत बेस्ट टेक्निक है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके स्किन पर जो भी मार्क है या अनइवन स्किन टोन जो होता है, जैसे टैनिंग वैनिंग जो है, वो सब कुछ हाइड हो जाता है लिपस्टिक के पीछे। और उसके बाद जब आप फाउंडेशन लगाओगे तो आपका पूरा स्किन इवन टोन दिखेगा। यहाँ पे मैंने कॉन्टोरिंग स्टिक यूज़ किया है पैक का, और कॉन्टोरिंग भी कर रही हूँ मैं इसी से, और ब्राउजिंग भी करेंगे हम, लेकिन इससे एक शेप आ जाएगा। वरना फेस आपको जैसे दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा रेड हुआ पड़ा है यहाँ पे, जो कि मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि पता नहीं मैं ये चैलेंज कंप्लीट कर पाऊँगी क्या नहीं, लेकिन समहाउ मैंने मैनेज कर लिया। अगर आपका फाउंडेशन जो है वो फुल कवरेज वाला है, जैसे मैंने यहाँ पर ये जो फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ ये हुडा ब्यूटी का है, ये ऑलमोस्ट फुल कवरेज है, ऑलमोस्ट जैसे कि मतलब बोल सकते हैं कि फुल कवरेज ही है। इससे भी काफ़ी अच्छे अच्छे फाउंडेशंस हैं जो फुल कवरेज है, लेकिन ये काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है जो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। क्रीम फार्मूला है इसका, बहुत ज़्यादा लिक्विडी बेस में नहीं है फार्मूला जो है इसका। कंसिस्टेंसी जो है वो क्रीम है, बहुत ज़्यादा लिक्विडी नहीं है, लिक्विडी है मतलब, लेकिन बहुत ज़्यादा एकदम रनिंग लिक्विड होता है ना वैसा नहीं है। बहुत ईजीली ब्लेंड कर सकते हैं आप अपने सेम ब्यूटी ब्लेंडर से मैं ब्लेंड कर रही हूँ यहाँ पर। अभी भी मुझे काफ़ी हद तक रेड रेड ही लग रहा था फेस, तो मैंने फिर से दोबारा से दूसरा कोट भी सोचा चलो अप्लाई करके देखते हैं। तो मैंने ऐसे 2-3 बारी कोट लिया और मेरा जो फेस है बहुत अच्छे से लाइक वो रेडिश नहीं रहा, पूरा अच्छे से ब्लेंड हो गया फाउंडेशन, और वो मेरा स्किन टोन फुल मैच हो गया। इनफैक्ट बहुत अच्छा फाउंडेशन है ये मैं बोलूँगी। इसका फुल रिव्यू दिया है मैंने डेमो के साथ, मेरे चैनल पे है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, आप वो भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको फुल फेस मतलब फुल कवरेज फाउंडेशन चाहिए तो आप डेफिनेटली ये वाला फाउंडेशन ट्राई कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने कंसीलर ले लिया, सेम कंसीलर जो मैंने पहले यूज़ किया था ब्लॉक्स के बीचों बीच जो लगा रही थी मैं, ये फ्लावर ब्रांड का है, काफ़ी अच्छा कंसीलर बोल सकते हैं इसे, ये फुल कवरेज ही बोल सकते हैं इनफैक्ट, और बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। मुझे ये कंसीलर मेबलिन के बाद बहुत अच्छा लगा। मेबलिन वाला फुल कवरेज भी नहीं है इनफैक्ट, लेकिन मुझे वो बहुत पसंद है, तो ये मेरा सेकंड फेवरेट है बोल सकते हैं। यहाँ पे फुल फेस मेकअप कर रही हूँ मैं धीरे धीरे, सारा जो कुछ मैं यूज़ कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूँगी। यहाँ पे ब्राउज को हाईलाइट कर लिया, और मैंने जैसे बताया था कि कॉन्टोरिंग तो हमने किया, लेकिन मैं ब्रॉन्जिंग भी करूँगी क्योंकि इससे थोड़ा सा एक फेस में बहुत अच्छा शेप आ जाता है, वरना वो बहुत फ्लैट लगता है। और यहाँ पे मैं आई शेडो कर रही हूँ। ये जो फाउंडेशन मैंने ब्लेंड किया ऐसा लग रहा था मुझे स्टार्टिंग में कि बहुत केक ही लगेगा, क्योंकि मैंने इतने बारी कोड यूज़ किया है लाइक एक के ऊपर एक। मैं ज़्यादातर इतना फाउंडेशन अप्लाई नहीं करती हूँ क्योंकि मेरा स्किन आपको दिखाई दे रहा होगा कि ऑलरेडी वो मतलब क्लियर है, बहुत ज़्यादा कोई मार्क नहीं है मुझे, ना पिंपल्स के दाग है ना कुछ है, तो मैं इतना फाउंडेशन अप्लाई नहीं करती हूँ। लेकिन ये एक चैलेंज मुझे कंप्लीट करना था, इसके लिए मैंने इतने सारे कोट्स लगाए, जिससे मुझे ये लग रहा था कि पता नहीं हो सकता है मेरे स्किन पे ये केकी लगे, लेकिन थैंक गॉड नहीं लग रहा था, एंड मैंने ये मैनेज कर लिया और मैंने ये कंप्लीट किया। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि मैंने इतना लिपस्टिक लगाया है पहले। यहाँ पे आई शेडो मैंने कंप्लीट कर लिया है, बहुत नेचुरल सा न्यूट्रल मेकअप कर रही हूँ मैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बेस में ध्यान दे चुकी थी, तो मैंने सोचा चलो आई मेकअप जो है उसको न्यूट्रल रखेंगे। यहाँ पे आईलाइनर लगा रही हूँ मैं, और ये आईलाइनर भी काफ़ी अच्छा है, वाटरप्रूफ है और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है। आई लैशेस कर्ल कर लिया, यहाँ पे मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ और हाईलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। ये हाईलाइटर जो है ये फेसिस ब्रांड का है, मैं ये बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक मैक का जो हाईलाइटर है वो, और एक ये हाईलाइटर जो है मेरा बहुत फेवरेट है। मैं ब्लश लगाना ही भूल गई थी, इसलिए मैंने इसके बाद हाईलाइटर के बाद यहाँ पे ब्लश लगा लिया। अब सेम आई शेडो पैलेट से ब्राउन शेड को मैंने लोअर लैश लाइन पे भी ब्लेंड कर लिया है, इससे ताकि जो आइज़ है वो थोड़ा पॉपअप हो जाए और आइज़ थोड़ी बड़ी लगे, क्योंकि मेरी आँखें थोड़ी छोटी है। और यहाँ पे द बाम का ये लिपस्टिक लगा रही हूँ और ये मेकअप डन हो गया। लेट मी नो इन द कमेंट्स आपको कैसा लगा ये वीडियो। ऑल्सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू सून, बाय।